चतरा पुलिस ने दो बाइक पर सवार पांच अपराधियों को पकड़ा। उन लोगों के पास से दो देसी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस, दो बाइक जब्त किया गया है। चतरा सदर थाना क्षेत्र के गोड्रा में आरकेएस क्रशर के संचालक ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। अपराधियों की ओर से रंगदारी मांगने, धमकी देने के साथ फायरिंग करने की घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसको लेकर एसपी ने एसआईटी का गठन किया है। पूछताछ करने पर उन लोगों ने आरकेएस क्रशर फायरिंग में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। गोड्रा में एक आरकेएस कंपनी का क्रेशर का प्रोजेक्ट काम चल रहा है, तो साइकिल पर सवार होकर कुछ हथियारबंद व्यक्ति जो है क्रेशर पर आए और धमकी दिए और रंगदारी का मांग किए थे और हवा में वो लोग फायरिंग भी किया हुआ कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर पांच व्यक्ति पथलगड्ढा की तरफ से तेजी से चलकर आ रहे थे। पुलिस उनको पीछा करके पकड़ा। जो नाम है, एक ने अपना नाम मुकेश राणा बताया, दूसरा है कौशल पासवान, तीसरा है दिनेश्वरी पासवान, चौथा है कैलाश राणा और पांचवा है कृष्णा सिंह। एक अवैध रूप से देसी कट्टा बरामद हुआ है, तीन जिंदा गोली बरामद हुआ है और दो मोटरसाइकिल। इतिहास है कि जैसे मुकेश राणा जो है, ये इसके पहले भी 6-7 कांडों में अलग अलग जगह जेल भी ये जा चुके हैं। जैसे हजारीबाग से ये जेल जा चुके हैं, चतरा से जेल जा चुके हैं, गिरिडीह में भी इनके खिलाफ मामला दर्ज है। और ये क्या है कि रंगदारी मांगने का काम इससे पहले भी अलग अलग जगह। चतरा पुलिस ने दो बाइक पर सवार पांच अपराधियों को पकड़ा है। उन लोगों के पास से दो देसी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस, दो बाइक जब्त किया गया। चतरा सदर थाना क्षेत्र के गोड्रा में आरकेएस क्रशर के संचालक ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए चतरा से हमारे संवाददाता संजय जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। संजय, जो अपराधी, पांच अपराधी पकड़ाए हैं, उन लोगों के बारे में क्या कुछ पता चल पाया है और क्या कुछ बरामद हुआ उन लोगों के पास से? अनुष्का, मैं बता दूं कि चतरा पुलिस ने आज अपराधियों के विरुद्ध बड़ी सफलता अर्जित की है। उन्होंने ये मैं बता दूं कि गोड्रा में एक संचालित था क्रेशर मशीन, जहाँ पर ही कुछ अपराधियों के द्वारा जाकर के वहाँ रंगदारी और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। उसके ये घटना जो है 11 जून और 28 जून को ये दो बार ये घटना को अंजाम देने के लिए वहाँ गए हुए थे क्रेशर पर। लेकिन पुलिस को जब संचालक के द्वारा मामला भी दर्ज किया गया था, उसके बाद जो है पुलिस चतरा एसपी के द्वारा एक गठित टीम किया गया था, जिसमें एसडीपीओ और खुद थाना प्रभारी इसमें शामिल थे। उसके बाद जो है एंटी करप्शन चेकिंग के दौरान जो है मोटरसाइकिल से पांच लोग आ रहे थे पथलगड्ढा की ओर से, तो पुलिस उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को देख करके वो भागने लगे, तो पुलिस उन्हें पीछा करके खदेड़ करके पकड़ा। पकड़ने के बाद जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से जो है एक कट्टा और तीन जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। और उसके बाद जब पुलिस पूछताछ की तो पता चला कि जो क्रेशर में जो रंगदारी और धमकी और फायरिंग की घटना को जो अंजाम दिए थे इन्हीं लोग अंजाम दिए थे, जिसके बाद जो है पुलिस जो है उनसे पूछताछ करके हिरासत में आज न्यायालय में भेजा गया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।